गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2015 ये नया कर धोरण सरकार के द्वारा व्यापारी वर्ग के पर लादा गया है, यह आरोप व्यापारी वर्ग लगा रहे हैं। एपीएमसी में नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रवीण खंडेलवाल ने खास बैठक का आयोजन किया, जहां नई कर प्रणाली के संदर्भ में सभी व्यापारियों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर प्रेजेंटेशन के द्वारा उपस्थितियों को जानकारी दी गई। कृषि माल बिक्री पर सरकार के द्वारा लगाए टैक्स को माफ किया जाए, ये मांग इस बैठक में की गई। इस विषय में प्रवीण खंडेलवाल ने अपनी भूमिका स्पष्ट की। देश भर में व्यापारियों को ये समझ में आता है कि जो सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रपोज किया है, उसमें दो तरीके के टैक्स होंगे, तीन तरीके की अथॉरिटी होगी। डॉक्टर विजय केलकर ने 2013 में जब अपनी रिपोर्ट दी थी सरकार को, तो ये भी स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत में सिंगल टैक्स या सिंगल पॉइंट जीएसटी लगना चाहिए। हमने अपना नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है, जो कल हमने बॉम्बे से लॉन्च किया था, और उस कैंपेन में हम पूरे देश भर में व्यापारियों को बताने वाले हैं कि जीएसटी का वर्तमान स्वरूप क्या है, जीएसटी काम कैसे करेगा, उसमें टैक्सेशन का क्या कंपोनेंट है, कौन सी अथॉरिटीज उसको करेंगी। तो ये एक अवेयरनेस हम पूरे देश में फैलाएंगे। इस बैठक में व्यापारी वर्ग का मार्गदर्शन किया गया। सरकार के द्वारा लगाए गए इस कर प्रणाली का विरोध करने के लिए संपूर्ण देश भर के व्यापारियों को जागरूक किया गया, ये स्पष्टीकरण इस बैठक में दिया गया। नवी मुंबई मर्चेंट चेंबर्स के चेयरमैन कीर्ति राणा ने इस संदर्भ में अधिक जानकारी दी। देखिए, परिवर्तन पूरे विश्व में आ रहा है। आज जो ई कॉमर्स आ रहा है, हमारी कॉन्फेडरेशन जो है वो भी ई लाला कॉमर्स इंटरनेट पे ये चालू करने वाली है। तो सवाल ये है कि हमें भी आज व्यापारियों को भी परिवर्तन में जुड़ना है। आज सारा विश्व माल कहीं पर भी ले जाने की परमिशन है, उन पर कोई टैक्स नहीं है। तो इस प्रकार व्यापारियों को भी किसान बनने का मौका देना चाहिए, और आज किसान बनने के लिए व्यापारी जितना कृषि वस्तुओं का जुना है, तो उसको भी किसान बनने का मौका दो। अगर इस प्रकार का परिवर्तन आता है, तो निश्चित तौर से बहुत बड़ी चेंज आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मूसा शेख के साथ योगेश पाटिल की रिपोर्ट।